फ्लैश के बारे में सर। हाँ नमस्कार दोस्तों, एक्चुअली ये मोनू भाई एक गाड़ी की सर्विसिंग करा रहे हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या किया, मैंने अमेजोन से एक 300 ml का एक फ्लश ऑयल मंगाया। ओके। तो वो फ्लश ऑयल हमने गाड़ी का जो इंजन ऑयल निकालने से पहले उसमें हमने फ्लश ऑयल 300 ml मिक्स कर दिया। ओके। और उसके बाद इंजन हमने आइडल स्पीड में चला दिया। ठीक। चलाने के बाद जब हम उसको पूरा ड्रेन कर रहे हैं ऑयल को, तो उस दौरान जब इन्होंने खोला ऊपर का जो कैप ये हो गया, यहाँ खोला तो रॉकर कवर और आरएच कवर खोला, आरएच कवर और रॉकर कवर खोला, तो इसमें अभी भी इंजन ऑयल यहाँ पे बचा हुआ है जी, जो पूरी तरह से फ्लश ऑयल मिक्स्ड है जी जी। तो जब तक ये पूरा फ्लश ऑयल मिक्स्ड ऑयल पूरा निकलेगा नहीं जी, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑयल है, जो नया ऑयल हम इसमें मिक्स करेंगे तो वो इसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक। जिससे क्या है, जो इंजन ऑयल है डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसकी जो इंजन ऑयल की जो वैल्यू है वो नहीं होगी बढ़िया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, अच्छा परफॉर्मेंस जी। तो ये कहने का मतलब मेरा, तो अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है और क्या है इसके पीछे पूरा रीजन क्या है और कैसे इसको इंजन को फ्लैश किया जाता है। तो यहाँ मेरे पास एक क्लासिक है, क्लासिक का मैंने इसको फ्लैश किया। फ्लैश करने का तरीका मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए ये अमेज़ॉन से ख़रीदा था, जो इस गाड़ी के ऑनर हैं, वैक्सपोल कंपनी है, और काफ़ी अच्छा 300 ग्राम इसके अंदर मिलेगा आपको। क्वांटिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 300 ग्राम। ठीक है, तो इसको इंजन में डालना होता है। इंजन में डालना कैसे होता है कि जो हमारा इंजन ऑयल होता है नॉर्मली, उसी के अंदर हमें यहाँ पे से खोलना है ऑयल कैप और इंजन इसी के अंदर तेल में मिक्स कर देना है, और उसके बाद गाड़ी को कम से कम 5 मिनट तक गाड़ी को स्टार्ट रखना है। ठीक है, उससे होगा क्या, मैं ज़रा आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि जब ये इंजन घूमेगा, रोटेट करेगा, तो ऑयल के अंदर जो हमने फ्लैशर डाल रखा है, इसका जो केमिकल होता है, तेल होता है, वो इसके अंदर फ्लैश होगा और ऊपर हिट होगा, बोले तो ऊपर की साइड जाएगा और ऊपर यहाँ पर आता है, तेल यहाँ पहुँचेगा दोनों साइड में, और उसके बाद वापस डाउन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तेल मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना ये रोकर आर्म या वॉल वॉल सब ख़राब हो जाते हैं। तो ये सिंपल रहता है, ऊपर से दोबारा तेल वापस नीचे आ जाएगा यहाँ पर। और इंजन में तेल निकालने के लिए 3 बोल्ट दिए होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। ठीक है, तो एक यहाँ पर होता है, आपको दिखेगा 12 नंबर का इस जगह पे लगता है। ठीक है, और दूसरा 2 8 नंबर के यहाँ लगते हैं, और इसके अंदर एक फ़िल्टर जाली होता है, और एक 18 या 19 नंबर का मान लो यहाँ पर लगता है, और वो तीनों मेरे पे यहाँ पर हैं रखे, मैं आपको दिखाता हूँ ये रहे। तो जो मेरा 18 नंबर का था वो ये था, और इसके अंदर देखिए थोड़ी बहुत गंदगी है, यहाँ पर दिखेगी आपको। और जो ये मैग्नेट होता है, दोनों पे यहाँ पर मैग्नेट लगा है, तो जो गंदगी होती है वो यहाँ इसके ऊपर आगे चिपक जाती है, और बाकी जो गंदगी रहेगी ऑयल फिल्टर में चली जाती है, और ऑयल फिल्टर में पेपर फिल्टर होता है, तो वहाँ कचरा चिपक जाता है। अब रहा इसका जो, ये तो प्लस पॉइंट हो गया कि चलो ठीक है, तेल अंदर साफ़ हो गया है, और देखिए इंजन अंदर काफ़ी अच्छे से क्लीन है, पर मेरे को अभी भी इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे कचरा है देखिए। और ये तेल हमारा बिल्कुल क्लीन नहीं हो सकता जब तक हम इस कवर को बिल्कुल खोल के अच्छे से सफाई नहीं करते हैं। तो अगर आप सर्विस करवाते हैं और ऑयल फ्लेशर भी डलवाते हैं, उसके बाद भी आप आरएच कवर खुलवा के उसके अंदर अच्छे से मतलब मिट्टी तेल या पेट्रोल जो भी लेके धुलाई करके हवा मारनी बहुत ज़रूरी है। हवा मारने से क्या होगा, जो तेल है थोड़ा बहुत मतलब आइट साइड को कहीं चिपक जाता है तो वह बिल्कुल क्लीन हो जाता है, वो उड़ना या मतलब एक तरीके से बिल्कुल क्लीन सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अभी इसके अंदर एक जगह पर तेल फिर भी रुक जाता है, वो जगह मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता था कि अगर हम ऑयल फ्लैश करते हैं और फ्लैश करने के बाद वो तेल कहीं रुकता है या बिल्कुल इंजन से बिल्कुल क्लीन होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके ऊपर आपने बहुत वीडियो देखे होंगे कि बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रही, इसके ऊपर आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे कि ऑयल फ्लैश करते हैं और कैसे किया जाता है, पर ये किसी ने नहीं बताया हो कि कहीं पर तेल रहता है या नहीं रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो तेल कहाँ पर रहता है। ठीक है, इंजन के अंदर थोड़ा तेल रुक जाता है, तो उसको आज हम देखेंगे कहाँ पर। तो जब हम इसके रॉकर कवर खोलते हैं, रॉकर कवर खोलने के बाद आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैं दिखाता हूँ एक बार ये, तो यहाँ पर काफ़ी गैप रहता है अंदर की साइड में, और तेल यहाँ नीचे की साइड में रुका रहता है दोनों साइड में, देखिए आपको दिखेगा।
देखिए इसके अंदर और यहाँ पे इसके अंदर। मैं एक बार इसको क्लीन करके फिर आपको दिखाता हूँ कि जब क्लीन हो जाएगा बिल्कुल उड़ जाएगा। इसको निकालने का तरीका यह है कि या तो हवा मार के, सबसे सिंपल तरीका मेथड जो है वो हवा मार के है। हवा मारेंगे तो तेल आकाश में उड़ जाएगा या हवा में उड़ जाएगा। तो फिलहाल जो भी है इसको निकालना ज़रूरी है, तो निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे निकाला जाता है, फिर देखिए कितना गैप रहता है अंदर। देखिए अभी मैं इसको बिल्कुल हवा मारूंगा इसके अंदर और तेल निकल जाएगा, ठीक है। और इंजन फ्लैश करने का मतलब यह है कि अच्छा है या ठीक है, ठीक है। अभी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसका मेन मकसद यही है कि जो हम फ्लैश करेंगे वो तेल अंदर थोड़ा रुक जाएगा और वो बाद में तेल में मिक्स हो जाता है, तो इसलिए इसको तेल को सारा निकालना ज़रूरी है। फ्लैश करना और ना करना ये अलग बात है, अगर हम फ्लैश करते हैं तो सारा तेल बाहर निकलना ज़रूरी है। तो एक बार हवा मारेंगे हम और देखेंगे। तो अभी मैंने देखिए हवा मारी इसके अंदर और अभी देखेंगे तेल वहां पर बचा, देखिए बिल्कुल खाली हो चुका है। देखिए दोनों साइड में बिल्कुल खाली हो चुका है, कहीं भी तेल का नामोनिशान नहीं बचा। इसी तरीके से मतलब बिल्कुल फ्लैश करना है तो बिल्कुल क्लीन कर लें ऐसी। दूसरी साइड में जरा दूसरी साइड में भी देख लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इंजन फ्लैश कराएं तो जो फ्लैश कराने के बाद जो तेल अंदर रह जाता है वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद भी अगर हम तेल डालते हैं तो वो तेल दोबारा मिक्स हो जाएगा और उस तेल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो दोबारा तेल पतला हो जाएगा। तो फ्लैश करने से बस यही फ़ायदा है कि आपका इंजन अंदर से एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और आप ये नहीं कि हर सर्विस में कराएं, यह आपको डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में कितने टाइम पर सर्विस होती है। जितने टाइम पर आपकी सर्विस होती है तो उसमें गंदगी साफ़ हो जाती है। जैसे फ्लैश कराते हैं तो देखिए जो मैग्नेट के आइटम होते हैं उसके पास चिम्मक के धातु मतलब यहाँ पे चिपक जाते हैं, वो साफ़ हो जाता है। ये हमारी कॉइल है, देखिए कॉइल अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो फ्लैश ऑयल से मतलब फ़ायदा तो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़राब है, पर फ़ायदा तभी है जब हम इसका पूरा तेल निकाल देंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, फिलहाल वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।